टूथब्रश, कंघी, स्टेपलर या फिर कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स, ये सारी चीजें आमतौर पर हमें बाजार में प्लास्टिक की मिलती हैं, लेकिन ये दो भारतीय युवा उद्यमी रोजमर्रा इस्तेमाल की ज्यादा से ज्यादा चीजें बांस यानी बेम्बू से बना रहे हैं। और इसका आइडिया उन्हें तब आया जब वो पूर्वोत्तर भारत की एक यात्रा पर थे। जब हम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में थे तो वहाँ पे बांस से काफ़ी वर्सटाइल, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाई जा रही थी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि उनसे बन, जैसे कि बांस के बर्तन, बांस की कुछ कलाकृतियाँ या बांस के कुछ सजावट वाली चीज़ें। तो हमने ये सोचा कि जब बांस से इतनी सारी इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं तो क्यों ना बांस से हम कुछ सिंपल चीज़ें बना दें जो प्लास्टिक के वेस्ट को रिप्लेस कर सके। बेम्बू बे की शुरुआत 2020 में हुई, लेकिन संचित और अनुज की दोस्ती उससे भी पहले से है। दोनों ही घूमने के शौकीन हैं, लेकिन वो जहां भी गए उन्हें ज्यादातर जगहों पर प्लास्टिक का कचरा नजर आया। इससे निपटने के लिए वो क्या कर सकते हैं, यही सवाल उनके स्टार्टअप का आधार बना। हम ये भी चीज़ नहीं देखते कि हम पहाड़ों पर हैं या हम किस जगह हैं, हम प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉज हमारे हो गए या फिर कटलरी, प्लास्टिक कटलरी हो गई। इतना ज़्यादा हम इसका सेवन करना शुरू कर चुके हैं कि इसे अवॉइड करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर उस वक्त सर हमें जो आइडिया आया वो हमें यही आया कोविड के बाद, आई मीन कोविड के दौरान, कि किस तरह से हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। प्लास्टिक एक हल्का, लचकदार और टिकाऊ मटेरियल जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। ये पैकिंग से लेकर फर्नीचर और गाड़ियों से लेकर विमानों तक में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक आज धरती के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इंसान हर साल 35 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहे हैं। प्लास्टिक जमीन को बर्बाद कर रहा है, महासागरों का दम घोंट रहा है और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है। बांस इससे निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। इकोलॉजिस्ट अनिरुद्ध चाउजी तो बांस को सुपर क्रॉप मानते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से उगते हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि बांस की खेती आज की तारीख में बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बांबू स्टील को रिप्लेस करने चला है, जो हम लोग पिलर्स बनाते हैं कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे भी बांबू आ गया, और साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली वहाँ पे बांबू पे बहुत काम हुआ है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बांबू बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर मिल सबसे ज़्यादा बांबू तो पेपर मिल लेती है, सो इवन अगर आपने बेचना नहीं है मार्केट में जाके, तो पेपर मिल वाले आके आपका पूरा बांबू खरीद सकते हैं। इसीलिए चाउजी ने नागपुर के पास अपने ऑर्गेनिक फार्म के एक हिस्से में बांस लगाए हुए हैं। बांस इस धरती पर सबसे तेजी से उगने वाला पौधा है। दुनिया भर में इसकी करीब 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों के बांस तो 30 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, फिर भी बांस को पेड़ नहीं बल्कि घास माना जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में इसकी 136 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत सरकार नेशनल बेम्बू मिशन के तहत बांस की पैदावार और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में यमुना किनारे बांस को केंद्र में रखकर एक पूरा थीम पार्क बनाया जा रहा है, बांसेरा। 15 हेक्टेयर में फैले इस पार्क का मकसद लोगों को बांस के बारे में जागरूक करने के साथ साथ इस इलाके के मौलिक परिवेश को बहाल करना भी है। पहले काफ़ी हरा भरा था यहाँ पे, फॉरेस्ट टाइप लगता था आज से कई साल पहले। अब वो धीरे धीरे लोग खेती करने लगे हैं और वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो हम लोग यमुना फ्लड प्लेन के जरिए वो चीज़ें दोबारा वापस लाना चाह रहे हैं। यमुना के किनारे ग्रासेस, जो उसकी पुरानी ग्रासेस थी और यमुना का कटाव भी रुकता था उससे, वो सारी चीज़ें दोबारा डेवलप करना चाह रहे हैं यमुना के किनारे। तो बांस का पेड़ इसमें कितनी मदद कर सकता है? बांस का पेड़ काफ़ी मदद कर सकता है सर, इसमें ये कटाव को भी रोकता है। बांस से बने चम्मचों या फिर नारियल के खोल से बना कटोरा, आफ्ताब और भगवती अपने घर पर ऐसी कई इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक से बचना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में जागरूकता की कमी है।
बहुत सारे लोगों को वैसे पता भी नहीं है, बहुत लोगों को ऐसे बहुत जनता को पता नहीं है कि बैम्बू से ये सब चीज़ें बनती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है उनको ये भी नहीं पता। बट हाँ, मुझे लगता है कि ये ट्रेंडिंग होना चाहिए आगे और इन सब मतलब बैम्बू के बारे में, बैम्बू प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ें बैम्बू से बनती हैं उन सब के बारे में सबको पता होना चाहिए और तभी उसका ही सही तरीके से इस्तेमाल होगा और हमारी प्रकृति बची रहेगी। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी बदलाव नहीं दिखता। सबको सोचना चाहिए हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। बात ये नहीं कि सरकार क्या करती है, जब तक हम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक क्यों है? क्योंकि इसकी मांग है। मांग कौन पैदा करता है? हम पैदा करते हैं। मुझे लगता है इसे घटाने में हम सबको योगदान देना चाहिए। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल 1990 में 1 किलो था, जो 2021 में बढ़कर 15 किलो हो गया। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का कहना है कि हर व्यक्ति को 3 से 4 महीने में अपना ब्रश बदलना चाहिए। इस हिसाब से हर व्यक्ति के लिए साल में 3 से 4 ब्रश। अगर आपने साल में 2 बार भी अपना ब्रश बदला तो इसका मतलब है कि अरबों टूथब्रश कूड़े के ढेर में जाते हैं, जो अक्सर प्लास्टिक के बने होते हैं। इस प्लास्टिक के कचरे को आप घटा सकते हैं बांस से बना टूथब्रश अपनाकर। प्लास्टिक को लेकर बढ़ती जागरूकता ने इन दो दोस्तों को बिजनेस का आइडिया दिया। आज इनके ग्राहकों में कई नामी होटल चेन्स और कॉरपोरेट कंपनियां शामिल हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती है ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना। चुनौती इसलिए क्योंकि बांस से बने इनके प्रोडक्ट्स अब भी बाजार में मिलने वाले इस तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट से महंगे हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली जो बाज़ार में मिलने वाले प्लास्टिक के चीज़ों के और हमारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, आपको लगेगा कि ये कुछ प्रोडक्ट 10-20% महंगे हैं, पर आने वाले दौर में हम ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको इतना अफोर्डेबल बना सके कि किसी भी आदमी को लेने से पहले एटलीस्ट कॉस्ट के बारे में तो सोचना ना पड़े कि ये महंगा है या ये सस्ता है, तभी एक चेंज को बड़े लेवल पर किया जा सकता है। संचित और अनुज को अपना भविष्य बेहतर नजर आता है, क्योंकि दुनिया भर में बांस से बने प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है।